नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भारतीय क्यों हाथ से खाना पसंद करते हैं एवं क्यों जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते कहते हैं। आज के समय में हमें बहुत से विदेशियों को मुद्रा का उपयोग करते हुए देखा होगा, परंतु भारतीय ऋषि मुनियों के दिए गए इस अमूल्य ज्ञान से आज भी कई लोग वंचित हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हस्त मुद्रा का वैज्ञानिक रहस्य और आश्चर्यजनक शारीरिक लाभ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस जानकारी को जीवन में उतारें। जब हम हाथ से खाते हैं तो हमारी उंगलियों की ऊर्जा एनर्जी से अधिक लार सलाइवा हमारे पेट में जाता है, जिसके कारण पाचन अच्छे से होता है। इसीलिए भारतीय विदेशियों से विपरीत हाथ से खाना पसंद करते हैं। मुद्रा प्रतीकात्मक उंगली या हाथ इशारे और शरीर की मुद्राएं गेस्टर्स हैं। कुल 108 मुद्रा होती है, जिसमें से अधिकांश बहुत सी नष्ट हो चुकी है। यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि मुद्रा प्रणाली आयुर्वेद की तरह ही बिना किसी साइड इफेक्ट तेजी और स्थायी परिणामों के साथ कार्य करती है। अर्थात साइड इफेक्ट वाली दवाएं खाने के बजाय यदि व्यक्ति हस्त मुद्रा का उपयोग करे तो बहुत तेजी से और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको इस बात पर तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक कि आपको असहनीय कानों में दर्द ना हो या चक्कर ना आ जाए या आप डिप्रेशन में ना चले जाए, जहां मुद्रा का तत्काल चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्य इंडियन क्लासिकल डांस मुद्रा पोज का उपयोग करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य सभी प्रपत्र 108 मुद्रा का उपयोग करता था। महाभारत युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्रा की स्थिति में थे जब उन्होंने राजस्व अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। 5000 वर्ष से अधिक के लगभग सभी प्राचीन हिंदू मंदिरों में मुद्रा उंगली और हाथ दिखने वाली मूर्तियां हैं। भारतीय किसी से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते बल्कि नमस्ते कहते हैं, जो मुद्रा का एक चिन्ह है। नमस्ते करना सद्भावना और सम्मान का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता का हाथ मिलाना हाथों के बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। मुद्रा केंद्रित तंत्रिका जड़ के अंत नर्व रूट एंडिंग में उंगली युक्तियों पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, जो चुने हुए तंत्रिका नर्व सर्किट में मस्तिष्क को आंतरिक रूप से पुनर्निर्देशित करता है। 5 बलों फोर्सेस को मुद्रा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, वह है प्राण, अपाना, समाना, व्याना और उदाना, और यह बल कुंडलिना की ऊर्जा का हिस्सा भी है। यजुर्वेद में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा व्यक्ति है वैसा ही ब्रह्मांड है और जैसा ब्रह्मांड है वैसा व्यक्ति। यदि ब्रह्मांड को जानना हो तो सबसे पहले व्यक्ति को जानना चाहिए। मुद्रा मात्र उंगली और हाथ के इशारे नहीं है बल्कि वे शारीरिक और इथरिक बॉडीज में सूक्ष्म चैनलों के क्लोज विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो मानसिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। सभी मुद्राओं से लाभ स्थायी परमानेंट है, जिसे शरीर के दिमाग या आत्मा के प्राकृतिक काम में हस्तक्षेप इंटरफियर किए बिना हासिल किया जाता है। आज तक एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी जो किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन से, गुस्से से, भावनात्मक इमोशनल डिस्टर्बेंस आदि से निकाल पाए। मानव शरीर का कार्य एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है, जो प्राण के सार्वभौमिक प्रवाह यूनिवर्सल फ्लो से ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर उस ऊर्जा को वितरित डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर इसे समाप्त कर देता है। जानिए मुद्रा के शारीरिक लाभ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। ज्ञान मुद्रा अंगूठे और तर्जनी पहली उंगली के सिरों को आपस में सटाने पर ज्ञान मुद्रा बनती है। लाभ सभी मानसिक रोगों से जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, चंचलता, चिंता, भय, घबराहट, अनिद्रा रोग, डिप्रेशन में बहुत लाभ पहुंचता है। वायु मुद्रा पहली उंगली तर्जनी को मोड़कर उसके सिरे को अंगूठे के जड़ भाग में लगाया जाता है, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। लाभ वायु संबंधित समस्त रोग जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, पक्षाघात, हाथ पैर या शरीर में कंपन, लकवा, हिस्ट्रिया, वायु शूल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस इत्यादि अनेक रोगों में लाभ मिलता है। शून्य मुद्रा अंगूठे से दूसरी उंगली मध्यमा सबसे लंबी वाली अंगुली को मोड़कर अंगूठे के जड़ में स्पर्श करें और अंगूठे को मोड़कर मध्यमा के ऊपर से ऐसे हल्के से दबाएं कि मध्यमा उंगली का निरंतर स्पर्श अंगूठे के मूल भाग से बना रहे, बाकी की तीनों उंगलियों को अपनी सीध में रखें। लाभ कान बहना, बहरापन, कान में दर्द इत्यादि कान के विभिन्न रोगों से मुक्ति संभव है। वरुण मुद्रा कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली तथा अंगूठे के सिरे को मिलाकर बाकी उंगलियों को सीध में रखने पर वरुण मुद्रा बनती है। लाभ चर्म रोग से मुक्ति दिलाने, रक्त की न्यूनता, अनीमिया दूर करने में परम सहायक है। मुहासे दूर होते हैं और चेहरा सुंदर बनता है, परंतु कफ प्रकृति वालों को इस मुद्रा का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। योनि मुद्रा दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले दोनों कनिष्ठा उंगलियों को आपस में मिलाएं और दोनों अंगूठे के प्रथम पोर को कनिष्ठा के अंतिम पोर से स्पर्श करें, फिर कनिष्ठा उंगलियों के नीचे दोनों मध्यमा उंगलियों को रखते हुए उनके प्रथम पोर को आपस में मिलाएं, मध्यमा उंगलियों के नीचे अनामिका उंगलियों को एक दूसरे के विपरीत रखें और उनके दोनों नाखूनों को तर्जनी उंगली से प्रथम पोर से दबाएं। लाभ शरीर की सकारात्मक सोच का विकास करती है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। शक्तिपान मुद्रा दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली
को इस तरह से मिला ले कि पान की सी आकृति बन जाए तथा दोनों हाथों की बची हुई तीनों उंगलियों को हथेली से लगा ले। लाभ, ब्रेन की शक्ति में बहुत विकास होता है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी अन्य जानकारी हमारे आने वाले एपिसोड में दी जाएगी। इसी तरह की रोजक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।